गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के कोर गेम प्ले में। आज मैं काफी दिनों बाद समुद्र किनारे टहलने आया हूँ, पर यहाँ तो किनारे पर काफी बड़ी व्हेल मछली आ गई। अगर वो और किनारे पर आई तो पानी की कमी से मर जाएगी। चलो उसको धक्का देकर पानी की गहराई में भेज देते हैं। यहाँ पर तो एक और जानवर है और वो तो पानी के अंदर से मेरे को ही घूरे जा रहे है। अच्छा होगा पानी से बाहर निकल जाऊं। ओ माई गॉड, ये तो पानी में रहने वाली छिपकली है। चलो यहाँ से दूर चलते। ओ भाई साहब, उसने तो बाहर निकलकर हमला कर दिया, क्यों ना गोलियां मारकर उसको खत्म कर दूं। अरे वाह, वो तो डर कर यहाँ से भाग गई। ओहो, उसने तो वापस से अचानक से हमला कर दिया। देखो क्या हालत कर दी, हर तरफ से खून निकल रहे। अब वो तो मेरे को छोड़कर मछलियों पर हमला कर रही है। उनकी लड़ाई तो काफी भयानक हो गई, वो एक दूसरे को मार मार कर फेंक रहे। देखो वापस हमला करने लग गई, पर मैं बाल बाल बच गया। लेकिन इस बार नहीं बच पाया, वो दोनों तो आसमान में उछल कर काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे। पता नहीं आगे क्या होगा, चलो उनको पानी में जाकर देखते। लगता है उस छिपकली ने इस व्हेल मछली को मार दिया, पर वो इसको मार कर पता नहीं कहाँ चली गई। ओ माय गॉड, वो तो वापस ही आकर फिर हमला कर रही है। इसने तो मेरे को काट काट कर काफी ज्यादा खून निकाल दिया। अब इसके हाथों से कैसे बचूंगा। काफी कोशिश करने के बाद भी मैं इससे बचकर पानी से बाहर नहीं जा पा रहा। कमोन 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 कमोन, ओ भाई साहब आखिर में बाहर आ गया। क्यों ना मौके का फायदा उठाकर इसका काम तमाम कर दूं। लगता है बम मारना होगा, शायद तभी इसको कुछ हो पाए। ओके तो गाइस आप देख सकते हो, मैंने उसको खत्म कर दिया। इसकी बड़ी बड़ी आंखों के सामने मैं आराम से जिंदा खड़ा हूँ। क्यों ना अभी इसको उठाकर पानी के अंदर छोड़ाऊं, ताकि कोई इसको देखकर ना डरे। ओ माय गॉड, ये अचानक से मेरे शरीर को क्या हुआ। उसके काटने की वजह से मैं खुद छिपकली में बदल गया और अब आराम से पानी में तैर पा रहा हूँ। क्यों ना किनारे पर जाकर लोगों को थोड़ा डराया जाए। मैंने तो एक को टक्कर मार दी, क्यों ना उसको खाकर अपनी थोड़ी भूख मिटा ली जाए। लोग तो मेरे को देखकर डर गए, पर गाइस एक को मुंह में दबाकर मैं पानी के अंदर ले जा रहा हूँ। उसको खाकर तो पेट भर गया। अब खेल कूद करनी चाहिए, क्यों ना यहाँ पर थोड़ी तबाही मचाई जाए। क्यों ना इंसानों को भी मारकर थोड़ा दूर फेंक दूं। इस बार तो मैं चोपर को निकल जाऊंगा, पर वो तो हाथ ही नहीं आ रहा। यहाँ पर तो हर तरफ पुलिस की नाव ही नाव आ गई। क्यों ना नाव को टक्कर मारकर पुलिस वालों को गिरा दूं। मैंने तो चोपर को भी गिरा दिया। चलो अब उनके पायलट को खाकर एनर्जी और बढ़ाई जाए। इनको खाने के बाद भी ये डर नहीं रहे। क्यों ना इनको छोड़कर मैं यहाँ से किनारे पर चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पर इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। पर हो सकता है किनारे पर और ज्यादा पुलिस मिल जाए। ओ माय गॉड, किनारे पर आने पर तो मेरी साइज और बढ़ गई, पर जमीन पर इतने सारे लोग कौन है। ये तो पूरी की पूरी आर्मी है, कुछ तो मेरे पर हमला भी करने लग गए। चलो उनको उठाकर यहाँ से काफी दूर फेंक दूं। इनको मारने में तो मजा आ रहा है। क्यों ना इनमें से एक नाव को उठाकर पुलिस की दूसरी नाव पर फेंक दूं। ओहो, इस बार तो हवा में उछल कर पुलिस के चोपर को भी तबाह कर दूंगा। आखिरकार मैंने सबको खत्म कर दिया। चलो अभी यहाँ से तैर कर किसी सुनसान टापू पर चलते। पर ये अचानक से कौन आ गया। Oh no. वो तो मेरे को पानी के अंदर ही उठा उठा कर फेंक रहे। क्यों ना यहाँ से तैर कर जल्दी पानी से बाहर निकल जाऊं। वो कमीना भी पानी से बाहर आकर हमला करने लग गया। वो तो दो टांगों वाली काफी खतरनाक पानी की मछली है, मेरे को उसको खत्म करना ही होगा। पर उसका सामना करना तो मुश्किल है, क्यों ना कार को उठाकर उस पर फेंक दूं। उसने तो मेरे को ही उठाकर फेंक दिया, इसको तो मैं दूर फेंक फेंक कर मार दूंगा। पर पता नहीं वो कैसे बच जाता है। Oh no.
चलो वापस से उठाकर उसको काफी सारी गाड़ियों पर फेंक देते हैं ताकि वो घायल होकर कमजोर हो जाए। लगता है उसको चोट आई, यही अच्छा मौका है उसको खत्म करने का। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैंने उसको जान से मार दिया, क्यों ना अभी सर को तब तक छोड़कर चला जाऊं जब तक मैं वापस इंसान न बन जाऊं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और अगर चाहते हो मैं इसी शानदार वीडियोस बनाता रहूं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।